सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह रोड शो किया। इस दौरान जनता ने कई जगह उनका अलग अलग तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार। हर तरह से पाँच साल के अंदर ये सारी चीजें देखने का किस तरह से तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जनसंपर्क में लगातार जुटे हुए हैं। जब यहां वो पहुंचे इस इलाके में तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और अलग अलग इलाकों से होकर उनका ये रोड शो निकला। तो तीन विधानसभा क्षेत्रों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये रोड शो किया, जहाँ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी दिन है, आप लगातार कहते रहे परसेप्शन बदला है, आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तब तक आप क्या मान रहे हैं, बीजेपी किस स्थिति में है? बहुत मजबूत, पूरे राजस्थान के अंदर आज जन जन जानता है कि किस तरह से वाकई में अगर विकास हुआ है और वो विकास गांव-गांव तक पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जो काम उनकी चार पीढ़ियां और 50 साल में नहीं कर पाए कांग्रेस वाले, वो काम हमने पिछले 5 साल में कर दिखाए, पूरा प्रमाणिक तौर से हमने काम करा है। और आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो खुद राजस्थान के हित को ध्यान में रखेंगे और पूरी केंद्र सरकार की ताकत राजस्थान के विकास में जोड़ देंगे। ये एक बहुत सुनहरा मौका है राजस्थान के लिए। तो राहुल गांधी कल वो फिर चर्चाओं में हैं, उन्होंने एक जगह कुंभकर्ण परियोजना बोल दिया, उस पर क्या कहेंगे सर, आपने रीट्वीट भी किया उसको? देखिए, कल खूब 10 मिनट तक मैं खूब हंसा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, ऐसे लगे रहे वो, आप हमें हंसाते रहिए लेकिन देश को माफ़ कर दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल और, आप लगातार सक्रिय हैं, खासकर आपका जो प्रभाव क्षेत्र, आपका जो संसदीय क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, आज आप आखिरी दिन भी वहाँ पर हैं, जयपुर ग्रामीण में क्या तस्वीर देख रहे हैं सर आप, जब रिजल्ट आएंगे चुनाव के? ना सिर्फ जयपुर ग्रामीण ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर, और आज चोमू आप देख रहे हैं कि ढोल बज रहे हैं यहाँ पर, मेरे साथ रामलाल जी चल रहे हैं, इनका काम जो हुआ है पिछले 10 सालों में वो लोगों को, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं, बिल्कुल सरल व्यक्ति। और हर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है साधारण परिवार से ऊपर उठकर आज उसको, उनको जिम्मेदारी दी है। हम ये पदवी नहीं मानते, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पदवी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और एक संकल्प के साथ ही कोई काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे संकल्प के साथ आई है, जो इतने सालों से राजस्थान में नहीं हो पाया वो हमने 5 साल में कर दिखाया और इसी संकल्प से हम लगातार लगे रहेंगे। कैमरामैन इकबाल अली के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चोमू।